आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों पूरे देश में देश की आजादी के 75वें वर्ष को धूमधाम से मनाने पर तैयारियों को किया जा रहा है। मुरादाबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत शेरवा धर्मपुर में स्वयं सहायता समूह के द्वारा भारतीय ध्वज तिरंगा को बनाने का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का ये कहना था कि भारत सरकार की ये पहल महिलाओं को जहां रोजगार देने का काम कर रही है, तो वहीं देश प्रेम की भावना भी जागृत करने का सरकार काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भारतीय ध्वज बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय ध्वज बन जाने के बाद घर घर जाकर भारतीय ध्वज का वितरण किया जाएगा और सभी देशवासियों से ये अपील भी की जा रही है कि वे अपने घरों पर तिरंगा लहराने का काम करें, क्योंकि ये हमारी पहचान है और इस तिरंगे की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और हमारा देश भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। भारतीय ध्वज को तैयार कर रही महिलाओं से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया, आदेश ये हमें ब्लॉक से आदेश मिला है नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, और तिरंगे बनाने से हमें बेरोजगार महिलाओं को रोजगार मिला है। इससे हमें जो बहुत परेशान रहती थी लेडीजें औरतें, इसलिए हमें रोजगार देकर हमें 2 पैसे कमाने की इच्छा हुई है। सरकार से और क्या उम्मीद है आपको? सरकार से हमें ये उम्मीद है कि इसी तरह हमारे सहयोग करती रहे और हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और जो हम महिलाओं के लिए इतना सहयोग किया है। कितने तिरंगे का लक्ष्य बनाने का लक्ष्य मिला है आपको? हमने 300 तिरंगे बना दिए हैं, अभी हमारे पास कपड़ा है और बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं तिरंगा अभी है? हर घर तिरंगा लहराएंगे। प्रधानमंत्री जी की पहल कैसी पहल मानती हैं आप इस पहल को? बहुत अच्छी पहल मानते हैं हम। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, जो हम बेरोजगार महिलाएं थी उन्हें रोजगार मिल रहा है और जो बेचारी परेशान रहती थी महिला उन्हें भी आर्थिक तंगी से मतलब फायदा होगा इससे। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है सरकार को आपसे? सरकार ऐसे ही हमारा सहयोग करती रहेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। मोनी यादव जी कहाँ की रहने वाली हैं और कौन सी कंपनी है आपकी? मैं शेरवा धर्मपुर गांव की रहने वाली हूँ और मैं लक्ष्मी समूह से हूँ। क्या बना रहे हैं आप ये? हम ये झंडा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, कहाँ से मिला है आपको ये? ये हमें ब्लॉक मुराद ब्लॉक से मिला हुआ है और इससे हमारे गाँव की महिलाओं को रोजगार, जो बेरोजगार महिलाएं उन्हें रोजगार मिला है। सरकार की ये पहल कैसी पहल? सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जी ने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये। हम ये झंडे बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं झंडे? ये झंडे हम इसलिए बना रहे हैं जो हर घर भर में झंडे लहराना चाहिए, जो हमें शेरवा धर्मपुर ब्लॉक मुरादाबाद उसी के दौरान हमें ये काम मिला हुआ है, जो इसी से हमारी कुछ रोजगार भी बढ़े और हमें कुछ काम भी मिले आगे, इसके लिए आर्थिक ही बढ़े इसके। पूरा देश जो है हर घर झंडा तिरंगा फहराने वाला कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, मतलब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो आप क्या मानती हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छा ही मिला है और इससे सम्मान देना चाहिए और इसी के द्वारा जो हम और आगे नाम बढ़ाना चाहते हैं, जो हमें तिरंगा के सिलने की इसे हमें कुछ काम दिया गया है वह हम इसके द्वारा नाम से रहने वाली हूँ और मेरे समूह का नाम सरस्वती स्वयं सहायता है। और ये क्या बना रहे हैं आप? ये हम तिरंगा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, कहाँ से मिला आपको ये ऑर्डर? ये हमें काम मुरादाबाद ब्लॉक से दिया गया है, प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। क्या फायदा होगा आपके इस काम से? इस काम से फायदा ये होगा कि हमें रोजगार मिलेगा और हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, दिवस आने पर हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल कैसी पहल मानती हैं आप इसको? ये अच्छी पहल मानते हैं। क्या कहना चाहोगी उनके लिए? धन्यवाद देना चाहते हैं उनके। क्यों? कि हमें रोजगार दिया गया है तिरंगा के अनुसार, जो हमें रोजगार दिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे ADO ISB द्वारा बताया गया, और हम विकास खंड मुरादाबाद की ग्राम पंचायत शेरवा धर्मपुर में है। क्या कार्यक्रम चल रहा है आपका ये? सर ये सरस्वती स्वयं सहायता समूह शेरवा धर्मपुर के माध्यम से हर घर तिरंगा योजना के माध्यम से तिरंगा बनाने का कार्य चल रहा है। क्यों बनाए जा रहे हैं तिरंगे? हर घर तिरंगा योजना, प्रत्येक घर तिरंगा लहराना चाहिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, इसलिए ये तिरंगा बनवाया जा रहा है। जो आने वाले दिनों में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ध्वजारोहण किया जाएगा, उसको लेकर के आम जन से भी क्या अपील रहेगी आपकी? उनसे हमारी अपील रहेगी, जनता से भी और समूह की महिलाओं से भी और स्वयं से भी,
कि प्रत्येक देश का नागरिक अपने घर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 11 से 17 तारीख तक तिरंगा लहराए और देशभक्ति का जज्बा सब में पैदा हो, ऐसा हमें जो है